ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਲੋਗਾ ਸ਼ਮੇਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲਗਾਵ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸਰ ਇੱਕ ਨਿਗਮ ਚੁਣਾਵ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ चुनाव की तैयारी के नाते मीटिंग है और उस मीटिंग में यहाँ के लोगों ने अपनी तैयारी के लिए जो सारी बातचीत थी उसकी बात मुझे बताई है और अभी चुनाव समिति की बैठक होगी उसके अंदर पार्षदों का मेयर का जो भी फाइनल निर्णय होगा वो बता दिया जाएगा। ਸ਼ਮੇਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲਗਾਵ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰ ਇੱਕ ਨਿਗਮ ਚੁਣਾਵ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣਾਵ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕੇ ਨਾਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਕੇ ਲੋਗੋ ਨੇ अपनी तैयारी के लिए जो सारी बातचीत थी उसकी बात मुझे बताई है और अभी चुनाव समिति की बैठक होगी उसके अंदर पार्षदों का मेयर का जो भी फाइनल निर्णय बता दिया जाएगा। लाल खट्टर ने आज अपने करनाल विधानसभा क्षेत्र के दूसरे दिन के दौरे में सूबे करनाल के सेक्टर 6 में स्थित नानकसर गुरुद्वारा में जाकर माथा टेका और वहां के जो बाबा कश्मीरा सिंह जी हैं जो काफी बीमार चल रहे हैं उनका हाल चाल भी जाना। वहीं नगर निगम चुनावों को लेकर जिस तरह से हमने आपको कल रात को दिखाया था कि करनाल के गरोंडा रेस्ट हाउस में नगर निगम चुनावों को लेकर एक अहम मीटिंग जो है मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी और उसी मामले में सर आज मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 तारीख को चुनाव कार्य समिति की बैठक में जो है नामों की घोषणा कर दी जाएगी। तो बहरहाल सभी लोगों की निगाहें जरूर टिकी हुई है कि आखिरकार करनाल भाजपा मेयर सीट की टिकट किसको देती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चुनावी सोर्सेस है और कहीं ना कहीं जो बीजेपी के सोर्सेस हैं उनसे हमारी जो बातचीत हुई है लगभग जो है रेणु बाला गुप्ता का नाम सबसे ऊपर चल रहा है और लगभग जो है नाम उनका फाइनल भी कर लिया गया है, लेकिन 26 तारीख को यह नाम पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री द्वारा और चुनाव समिति के कार्य समिति की बैठक द्वारा घोषित कर दिया जाएगा। कमल मिड्डा करनाल ब्रेकिंग न्यूज करनाल। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह जी। असी सैक्टर 6 गुरुद्वारे तो हाँ जी इस टाइम संतां की फोटो लगी है सामने साढ़े फोटो है जी। खट्टर साहब डाचर गुरुद्वारे ऑब्जैक्शन किया इस गल का कि ये फोटो लगी असी एंट्री नहीं करांगे अज नहीं उन्होंने फोटो दिसी कि नगर निगम के इलैक्शन आ गए ने इस करके अज नहीं साढ़े संतान की फोटो दिसी असी तो ऑब्जैक्शन करने लिए खड़े सी पर लेकिन साढ़े वड्डियां ने सानू मना कर दिता है कि तुसी ना बोलो चुप रहो कोई गल नहीं गुरुद्वारे आए ने ते मत्था टेकन दो। वाहगुरु जी खालसा वाहगुरु जी की फतेह। आपका शुभ नाम? संग्राम सिंह जी।
फोटो लगी है जी अजे खट्टर साहब आए ने अजे फोटो नहीं दिसी डाचर इन्होंने फोटो का एक मुद्दा बनाया फोटो लगी है जिस गुरुद्वारे च फोटो लगी होगी असि उत्थे नहीं जावांगे अज इन्हों फोटो नहीं दिसी अज सी आई डी फोटो नहीं दिसी अज सी आई डी कित्थे सी अज क्यों आए ने इत्थे अज राजनीति करन डए ने क्यों नगर निगम के चुनाव चल रहे ने मेयर का चुनाव इत्थे इन्हों पता इन्हों वोट तो मिलने नहीं इस करके साडे गुरुद्वारे हुण आउण डए ने हुण नहीं इन्हों कुछ दिसदा।